हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे बल्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर के बारे में कि बल्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर को आपको कब लेना चाहिए, कितनी डोज लेना चाहिए और कितने दिनों तक लेना चाहिए। इसके साथ ये भी जानेंगे कि ये कैसे आपके शरीर में असर करती है और कैसे आपके शरीर से किडनी स्टोन को बाहर निकालने में मदद करती है। तो आइए शुरू करते हैं। तो यदि आपको किडनी स्टोन मीन्स गुर्दे में पत्थरी की प्रॉब्लम है और आप बल्बेरिस बल्गेरिस होम्योपैथिक मेडिसिन लेने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि आपका ये जानना ज़रूरी है कि बल्बेरिस बल्गेरिस को आपको कितने दिन तक लेना चाहिए और किस डोज से लेना चाहिए। क्योंकि बहुत से पेशेंट्स इस बारे में नहीं जानते हैं और वो बल्बेरिस बल्गेरिस विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट लेते हैं, जिससे कॉम्प्लिकेशन जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं और जिससे उन्हें एक्यूट रीनल फेलियर होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए बल्बेरिस बल्गेरिस का आप यूज़ करते हैं तो एक बार अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। बल्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर काफ़ी प्रसिद्ध होम्योपैथिक मेडिसिन है और आपको ईजिली ऑनलाइन और होम्योपैथिक शॉप में मिल जाती है। बल्बेरिस बल्गेरिस की सबसे अच्छी बात यह है कि ये न केवल हमारे किसी एक ट्रीटमेंट के लिए बल्कि हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट में फ़ायदा करती है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। रीनल स्टोन मीन्स किडनी स्टोन के लिए तो ये रामबाण दवा का काम करती है, लेकिन इसके साथ साथ एक साथ कई बीमारियों को ट्रीट करती है। कई बीमारियों को ठीक करने की क्षमता बल्बेरिस बल्गेरिस में होती है। तो आइए जानते हैं कि बल्बेरिस बल्गेरिस के उपयोग क्या क्या होते हैं, किन किन इन डिसीज़ में हम बल्बेरिस बल्गेरिस का यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, जैसा आप जानते ही होंगे कि बल्बेरिस बल्गेरिस मदर टिंचर का यूज़ मुख्य रूप से हम किडनी स्टोन के लिए करते हैं। किडनी स्टोन के लिए ये रामबाण दवा का काम करती है और किडनी स्टोन से होने वाले जो लक्षण हैं उनको भी बहुत जल्दी रिलीफ दिलाती है। जैसे पेट में बहुत तेज़ दर्द रहता है, किसी किसी को किडनी स्टोन के कारण कब्ज या डायरिया की प्रॉब्लम रहती है, तो दर्द में भी ये तुरंत रिलीफ दिलाती है। आप एक से दो डोज लेते हैं और आपको दर्द में रिलीफ मिलता है। और आप इस मेडिसिन को कुछ दिनों तक लेते हैं तो यूरिन के थ्रू स्टोन को बाहर निकालने की क्षमता बल्बेरिस बल्गेरिस में रहती है। और गॉल ब्लैडर स्टोन के पेशेंट को भी बल्बेरिस बल्गेरिस दी जाती है। ये जो गॉल ब्लैडर स्टोन में होने वाले दर्द होते हैं उनको कम करने में मदद करती है। इसके अलावा बल्बेरिस बल्गेरिस उन पेशेंट के लिए भी बहुत उपयोगी होती है जिन्हें पीठ दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और पीठ दर्द घुटने तक चला जाता है, मीन्स पैरों तक चला जाता है, उसके लिए भी बल्बेरिस बल्गेरिस बहुत असरदार होती है। इसके अलावा हम उन पेशेंट के लिए भी बल्बेरिस बल्गेरिस असरदार होती है जिन्हें यूरिनेशन में दिक्कत होती है, मीन्स बहुत कम यूरिन आता है या यूरिनेशन में जलन होती है, ब्लीडिंग होती है, उनके लिए भी बल्बेरिस बल्गेरिस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो बल्बेरिस बल्गेरिस का यूज़ हम ना केवल रीनल स्टोन के लिए करते हैं बल्कि अदर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा असरदार होती है बल्बेरिस बल्गेरिस, और इसके 100% रिजल्ट देखे गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि बल्बेरिस बल्गेरिस कितने दिनों में असर करती है। तो बता दें कि बल्बेरिस बल्गेरिस बहुत असरदार दवा है किडनी स्टोन के लिए और केवल एक दिन में ही ये वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अगर 2 से 3 डोज आप लेते हैं तो आपके जो किडनी स्टोन में होने वाले दर्द हैं, लक्षण हैं, उनको एक दिन में ही ये कम करने का काम करती है। लेकिन बात अगर पथरी के इलाज मीन्स पथरी निकलने में कितना टाइम लगता है इसकी करें तो इसमें 3 से 4 हफ्ते लग जाते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये पूरी तरह आपकी पथरी के साइज़ पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर आपकी पथरी का साइज़ 6 mm to 10 mm के बीच में है तो ये बहुत जल्दी आपके यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाती है, लेकिन अगर 10 mm से ज़्यादा है तो इसको निकलने में कुछ दिन लग सकते हैं। अब आपका ये जानना ज़रूरी है कि बल्बेरिस बल्गेरिस को आपको कैसे उपयोग में लाना है। तो बल्बेरिस बल्गेरिस की 10 टू 15 ड्रॉप्स आप आधे कप नॉर्मल वाटर में ऐड करके ले लीजिए। दिन में आप इसे 4 बार लीजिए 1 वीक तक। 1 वीक के बाद आप इसे दिन में 3 बार कर दीजिए। 1 वीक इसे आपको इसलिए 4 बार लेना है क्योंकि जो किडनी स्टोन का पेन होता है वो बहुत तेज़ होता है और आप इसे अगर 1 वीक तक 4 बार ले लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके दर्द में राहत मिल जाती है। 1 वीक के बाद आप इसे 3 टाइम्स कर दीजिए और 3 टाइम्स तक 3 to 4 वीक्स लीजिए। और आप इसके साथ साथ अपना रीनल आरएम ज़रूर टेस्ट कराते रहिए।
और एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि आपके पेन में अगर आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपको वॉमिटिंग नौजिया भी बना हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं और आपकी किडनी स्टोन का साइज़ 12 mm to 30 mm से ज़्यादा है, तो आप एक बार अपने नज़दीकी डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। साथ साथ बल्बेरिस बल्गेरिस आप ले सकते हैं और यूरिन RM का टेस्ट ज़रूर कराते रहें, क्योंकि जब आप ये टेस्ट कराते हैं तो आपकी पथरी के साइज़ के बारे में पता चलता है, जिससे मेडिसिन कितनी असरदार है ये आपको पता चलता है और आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। आई होप बल्बेरिस बल्गेरिस के बारे में जितनी भी जानकारी आपको मिली है आपके लिए बहुत उपयोगी होगी, तो आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, खासकर उन्हें जिन्हें किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है और वो बल्बेरिस बल्गेरिस का यूज़ करते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।